दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे अमृतसरी छोले। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक गिलास छोले को पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। मैंने यहाँ पे एक गिलास छोले में 2.5 गिलास पानी डालकर इसको पूरी रात भिगने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसमें जो है 1 बड़ा चम्मच डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे मैंने यहाँ पे 1 बड़ी इलायची डाली है, कुछ काली मिर्च डाली है और कुछ मैंने यहाँ पे लौंग डाले हैं। सारी चीज़ों को छोलों के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम छोले का ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे और 5 सीटी आने तक हम इसमें वेट करेंगे। गैस के फ्लेम को ऑन कीजिए, उसके बाद कुकर को गैस पर रख दीजिए और 5 सीटी आने तक इंतज़ार कीजिए। तो जब तक हमारे छोले बॉयल हो रहे हैं तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टमाटर, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 6 से 7 मैंने लिए हैं लहसुन की कलियाँ और 1 हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब लीजिए एक मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक इस सब चीज़ों को डाल दीजिए। तो मैंने सारी चीज़ों को जो है मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद हम इसका जो है एक फ़ाइन पेस्ट पीस कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला जो है पिसने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब चलते हैं मसाला बनाने के तरफ। सबसे पहले गैस के फ्लेम को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद उस पर रख देंगे कढ़ाई और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। जैसे हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम इसमें 3 बड़े चम्मच डाल देंगे तेल और तेल को भी गर्म होने देंगे। जैसे हमारा तेल गर्म होगा फिर हम डालेंगे इसमें जीरा और जीरे को अच्छे से चलाते हुए भुनने तक वेट करेंगे। जैसे हमारा जीरा भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को हम तकरीबन चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारे प्याज जो हैं वो बिल्कुल ब्राउन कलर के ना हो जाएं। तो देखिए हमारे प्याज जो है वो भुनकर ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने प्यूरी बनाई थी टमाटर की वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सारी प्यूरी मैंने जो है टमाटर की इसमें ऐड कर ली है। उसके बाद प्यूरी को अच्छे से चलाते हुए हम प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक हमारी जो प्यूरी है वो प्याज के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो देखिए हमारी जो प्यूरी है वो प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब जो है हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच मैंने लिए है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, फिर मैंने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच लिया है गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ डाला है हल्दी पाउडर और साथ में मैंने डाला है यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चना मसाला। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप नॉर्मल मसालों के साथ भी इसको अच्छे से बना सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सारे मसालों को डालकर अच्छे तरीके से इसमें मिलाते हुए हम चला लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए सारे मसालों के साथ पका लेंगे। मसालों के पकने के बाद देखिए अब मसाला जो है हमारा तकरीबन तैयार ही हो चुका है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच के करीब अनारदाना पाउडर। अनारदाने से इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा और थोड़ा सा खटास भी देगा। साथ ही हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और दोनों चीज़ों को जो है चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। तो मसाले को अब हम एक साइड रख लेंगे और उसके बाद जो है हम कुकर को खोल के देखेंगे कि हमारे छोले जो हैं वो बॉयल हो गए हैं या नहीं। तो कुकर ठंडा हो गया है, इसको आराम से खोल लीजिए और अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए कि ये बॉयल हो गए हैं या नहीं। आप चाहें तो इसको हाथ से दबाकर देख सकते हैं या चम्मच से भी दबाकर देख सकते हैं कि छोले जो है बॉयल हो गए हैं या नहीं। तो हमारे 80% छोले जो हैं वो थोड़े बॉयल हो गए हैं, थोड़ा इसमें अभी और बॉयल होने में कसर है तो वो हम इसको बॉईल कर लेंगे अभी जब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो देखिए 80% तक हमारे छोले जो हैं वो बॉईल हो गए हैं। मसाला डालकर सीटी लगाने से क्या होता है ना दोस्तों, जो हमारा मसाला है ना वो छोलों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और मसाला और छोले ना अलग अलग से नज़र नहीं आते। तो देखिए मैंने अपना जो मसाला तैयार किया था वो मैंने छोलों के अंदर मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से चला लिया है। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मसाला छोलों के साथ मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको मिला लेंगे और फिर से हम जो है इसमें 2 से 3 सीटी लगाने के लिए इसको छोड़ दें।
तो अब हम बेकिंग सोडा डालने के बाद जो है हम करेंगे इसका ढक्कन बंद और 2 से 3 सीटी आने तक हम इसका वेट करेंगे। प्रेशर कुकर ठंडा होने के बाद ही खोलिएगा दोस्तों। इसकी स्टीम को अपने आप से निकाल कर नहीं खोलने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए 2 से 3 सीटियाँ आ चुकी हैं, कुकर हमारा ठंडा हो गया है। अब इसके बाद हम इसको खोल कर देख लेंगे। तो देखिए हमारे छोले जो हैं वो बिल्कुल बनकर जो तैयार हो चुके हैं। अब हमारे छोले जो हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए छोले हमारे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट जो है, इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। तो देखिए छोले बनकर तैयार हैं। अब हम तैयार करेंगे इसके लिए तड़का। तो गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे एक पैन और पैन में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म हो जाने देंगे और गर्म होने के बाद हम जो है इसमें डालेंगे जो हमारा अदरक है बारीक लंबा लंबा कटा हुआ, इसमें डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्च 2 से 3। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच हींग और अच्छे से इसको पक जाने देंगे। जैसे ही हमारा तड़का ये जो पक जाएगा फिर हम इसको छोलों के ऊपर मिक्स कर लेंगे। तो देखिए तड़का हमारा जो है बनकर एकदम तैयार हो चुका है। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे अमृतसरी छोले। अब हम इसको जो है धनिया, हरे धनिए के पत्ती के साथ इसको थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे तरीके से धनिया पत्ती इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना तड़का। आप चाहें तो इसको पूरी के साथ, पराठों के साथ या रोटी के साथ, जिसके साथ भी आपका मन हो आप इसको सर्व करके खा सकते हैं। ये सब चीज़ों के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।